इंग्लैंड से भिड़ने के लिए लखनऊ पहुंचते ही टीम इंडिया को एक साथ मिली तीन सबसे बड़ी खुशखबरी। तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी और क्या वो टीम इंडिया के लिए तीन बड़ी खुशखबरी इंग्लैंड के खिलाफ, सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही नीचे कमेंट में इंडिया लिखना ना भूलेगा। तो चलिए अब इस रिपोर्ट की बात करते हैं। दरअसल भैया वनडे वर्ल्ड कप 2023 के मुकाबले रोमांच भरे रोज देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे में एक टीम ऐसी है जिसने वनडे वर्ल्ड कप में अब तक अपने एक भी मुकाबला नहीं हारा। जी हां, हम बात कर रहे हैं हम सबकी फेवरेट टीम टीम इंडिया की। टीम इंडिया ने अब तक अपने वनडे वर्ल्ड कप में पांच मुकाबले खेले, पांचों मुकाबलों में शानदार जीत का प्रदर्शन पेश किया। जहां पांचवें मुकाबला टीम इंडिया का पुणे में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया और अब यह मुकाबला जीत गई। और अब इस पुणे के बाद अब सीधा टीम इंडिया रवाना हो चुकी है लखनऊ के लिए। और लखनऊ का मैच अगला आपको बता दें कि यहां पे इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा और यह मुकाबला लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में खेला जाने वाला है। और जब टीम इंडिया पुणे फिर डायरेक्ट लखनऊ पहुंची, लखनऊ पहुंचकर टीम इंडिया को एक साथ तीन बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। तो आइए जानते हैं क्या वो तीन बड़ी खुशखबरी। दरअसल अगर बात की यहां पे पहली बड़ी खुशखबरी की तो वो आपको बता दें कि दोस्तों सबसे बड़ी खुशखबरी यहां पे आती है टीम इंडिया की हार्दिक पांडे को लेकर। दरअसल जहां हार्दिक पांडे बांग्लादेश के खिलाफ चोटिल हो गए थे, लेकिन अब इस मुकाबले में आपको बता दें कि यहां पे इंग्लैंड के खिलाफ हुई टीम इंडिया के साथ हार्दिक पांड्या लखनऊ पहुंच गए हैं और प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि ये दिखा रहा है कि हार्दिक पांड्या पूरे फिट हो गए हैं और उनके फैंस और उनकी टीम के लिए बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। इसके बाद दूसरी बड़ी खुशखबरी की बात करते हैं तो वो है दोस्तों आपको बता दें कि टीम इंडिया को लेकर। दरअसल टीम इंडिया अगर इस मुकाबले में इंग्लैंड को हरा देती है तो टीम इंडिया डायरेक्ट सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी और पॉइंट टेबल अपने छह मुकाबलों के साथ यहां पे अब डायरेक्ट यहां पे दोस्तों सेमीफाइनल में पहुंच के सीधा फाइनल में पहुंचेगी और अपने मुकाबले खेलेगी। जी, जो कि टीम इंडिया के लिए बड़ी बात और बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है उनके क्रिकेट फैंस के लिए। तीसरी और आखिरी बड़ी खुशखबरी की बात करें तो वो है दोस्तों विराट कोहली का लगातार जोरदार जबरदस्त फॉर्म, लगातार हर मैच में मार रहे हैं, जो कि ये दिखा रहा है कि आने वाले मैच में जो साउथ अफ्रीका इंग्लैंड के खिलाफ होगा एक बार फिर उनकी बल्लेबाजी देखने को हम सबको मिलने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में एक बार फिर विराट कोहली के रन मारेंगे या फिर नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।